सीधे मैं एग्जांपल पे समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कीपैड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे बड़ा करता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें एक डायल पैड की मैंने, ठीक है। तो डायल पैड क्या होता है, वही वन फिगर कॉपी कर लेता हूँ। फिगर थोड़ा कॉपी बनाना थोड़ा दिक्कत है, कॉपी कर लेता हूँ इस इमेज को। या फिर ये वाला एग्जांपल लेके समझाता हूँ, एक्स वाई जेड वाला। इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें एक स्ट्रिंग गिवन होगी। सपोज गिवन है एक्स वाई एक्स वाई, ये वाला है क्या एग्जांपल। इस स्ट्रिंग को भी कॉपी कर लेते हैं समझने के लिए। तो इसको कॉपी कर लिया हमने, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें एक स्ट्रिंग गिवन होगी जो कि यहाँ पे ये है, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है कि इस स्ट्रिंग को टाइप करना है इस की पैड में, सच दैट कि जो नंबर ऑफ टाइम्स तुम बटन प्रेस कर रहे हो वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। तो मिनिमाइज करनी है प्रेसिंग ऑफ बटन्स को, और स्ट्रिंग को, ये वाली स्ट्रिंग को टाइप करना है। अब दूसरी चीज़, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर जो नॉर्मल कीपैड होता है उसमें क्या होता है कि वन खाली रहता है, टू पे ए बी सी रहता है, थ्री पे डी ई एफ रहता है, फोर पे जी एच आई रहता है, फाइव पे जे के एल रहता है, सिक्स पे एम एन ओ पी रहता है, सेवन पे क्यू आर एस रहता है, एट पे टी यू वी रहता है, और नाइन पे डब्ल्यू एक्स वाई जेड रहता है। ऐसा रहता है, तो ये स्टैंडर्ड है। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि हम अपने हिसाब से नया कीपैड बना सकते हैं जिसमें से वन को नहीं चेंज कर सकते हैं, स्टार को, जीरो को और हैशटैग को, इनको नहीं चेंज कर सकते हैं। बाकी हम ए से लेके जेड तक के नंबर्स कहीं पे भी बैठा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो हम इस टू पे ए बी सी डी ई बैठा सकते हैं, या फिर ए बी सी डी जेड बैठा सकते हैं, कुछ भी बैठा सकते हैं। हमारी मेरी खुद की चॉइस है। हम जेड एक्स बैठा सकते हैं, वाई डब्ल्यू बैठा सकते हैं, कुछ भी है, वो मेरी खुद की चॉइस है। लेकिन वो चॉइस कुछ इस तरीके से रखनी है सच दैट कि ये जो स्ट्रिंग हम टाइप करें वो मिनिमाइज हो जाए। तो अगर हम ये वाला देखेंगे, क्या बोलते हैं, डायल पैड, तो इसमें क्या है, एक्स एक्स रखा है यहाँ पे, फिर वाई यहाँ पे, कलर चेंज कर लूँ अगर मैं तो, और जेड यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो एक्स टाइप करने के लिए हमें सिर्फ वन टाइम पुश करना पड़ेगा, वाई टाइप करने के लिए सिर्फ वन टाइम पुश करना पड़ेगा, और जेड टाइप करने के लिए सिर्फ वन टाइम पुश करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स को वन टाइम पुश करना है, और एक्स है कितने टाइम, एक दो तीन चार। वाई को सिर्फ वन टाइम पुश करना है, और वाई है कितने टाइम्स, फोर टाइम्स। और जेड को भी सिर्फ वन टाइम पुश करना है, जेड प्रिंट करने मतलब लिखने के लिए, और जेड है कितने टाइम्स, चार बार। तो टोटल आंसर आया 12। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। मैंने समझा दिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें ये वाली गिवन स्ट्रिंग को टाइप करना है सच दैट कि वो जो प्रेसिंग जो प्रेस हो वो मिनिमम हो। और तुम ऑपरेशन क्या कर सकते हो कि तुम टू से लेके नाइन तक में अपने मन की कोई भी नंबर्स रख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि टू में सिर्फ पाँच कैरेक्टर रख सकते हो, या चार या छः रख सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी, चाहे जितने रखो, लेकिन जो प्रेसिंग होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए। तो अब मैं इसका अप्रोच समझाता हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मतलब ऐसा कुछ था नहीं, वीडियो बनाने के लायक भी नहीं था मेरे हिसाब से। तो अगर मैं करूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है। और हमें बनाना कितना है, कोई स्ट्रिंग बनानी है, सपोज दैट ए बी सी डी ई एक्स वाई एक्स जेड ई एफ जी के एल एल एम एन ओ, ठीक, कोई भी बनानी है। तो ये तो हमें पता है कि वन पे तो हम कुछ रख नहीं सकते, तो वन को आउट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल केस कैरेक्टर्स रखने हैं, ठीक है। और ये होते टोटल कितने हैं, 26 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबके काउंट्स रख लेंगे। ए कितनी बार टाइप करना है, बी कितनी बार टाइप करना है, सी कितनी बार टाइप करना है, डी कितनी बार टाइप करना है, ई कितनी बार टाइप करना है, एफ कितनी बार टाइप करना है, जी एच, ये लिख लेता हूँ मैं, आई जे के एल एम एन, ठीक है, ये कितनी बार टाइप्स करने हैं।
इन सब के काउंट रख लेंगे। सपोज कर जो स्ट्रिंग हम गिवन है उसमें ए 20 टाइम्स है, बी 4 18 टाइम्स है, सी 16 टाइम्स है, डी 14 टाइम्स है, ई 2 टाइम्स है, एफ 15 टाइम्स है, जी 4 5 टाइम्स है, एच 4 टाइम्स है, आई 19 टाइम्स है, 2 3 6 10 और 9 ऐसा कुछ है। ठीक है, जो स्ट्रिंग गिवन है उसमें ए 20 टाइम्स है, बी सी डी कुछ इतने टाइम्स है। तो ऐसा सिंपली हमें ग्रीडी दिख ही रहा है कि हम किसी भी कैरेक्टर को अगर किसी पे रखते हैं, मान लो ए को हम अगर 2 पे रखते हैं और 2 पे अभी तक कुछ नहीं है, तो ए को सिर्फ 1 टाइम प्रेस करने पे हम प्रिंट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, इस सबको शॉर्ट करेंगे, और जो सबसे ज़्यादा अकरेंस है, जैसे ए इसमें क्या है सबसे ज़्यादा टाइम्स है, 20 टाइम्स है, तो मतलब ए को हमें प्रिंट करने के लिए 20 बार तो दबाना ही दबाना है अगर ए सबसे पहली जगह पे है। अगर मान लो किसी, मान लो 2 पे कुछ ऐसे था, ए बी सी था, 2 पे ए बी सी लिखा हुआ था, तो ए प्रिंट करने के लिए हमें 20 बार दबाना ही दबाना है। लेकिन अगर 2 पे बी ए सी लिखा होता तो 20 बार की जगह हमें 40 बार दबाना पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर है उसको हम सबसे पहले लिखने की कोशिश करेंगे किसी नंबर पे। तो ए इसमें 20 टाइम्स है, ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि ए को हम यहाँ पे लिखते हैं, बी कितने टाइम्स, 18 टाइम्स है। अगर बी को हम यहाँ पे लिखेंगे तो कितने टाइम्स बी को प्रेस करना पड़ेगा लिखने के लिए, टोटल सारे के सारे भी। तो अगर हमने 2 पे लिखा, ए के बाद बी लिखा, तो टोटल 18 20 हैं और टोटल 2 बार दबाने पड़ेंगे, तो 36 हो गया। लेकिन अगर हम बी को यहाँ पे लिखेंगे तो सिर्फ 18 बार दबाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 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 अगर हम शॉर्ट करेंगे इस पूरी स्ट्रिंग को तो आई ज़्यादा है, तो इससे बढ़िया हम यहाँ पे आई रखेंगे क्योंकि हमने शॉर्ट कर लिया है ना। शॉर्ट करने के बाद ए आएगा, फिर आई आएगा, फिर उसके बाद क्या है, 19 से छोटा बी है, 18, तो बी को हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, फिर क्या है, 16 ये वाला, फिर ये ए हो गया, फिर सी है, 16 है, फिर 14 है, नहीं 16 है, फिर 15 है और फिर 14 है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, एफ यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद क्या है, फिर 14 है, तो डी को हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर 14 के बाद क्या है, फिर 10 है, फिर 9 है, एम 10 है और एन 9 है, तो एम यहाँ लिखेंगे और एन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो ही गया था। उसके बाद क्या है, उसके बाद एल है, फिर जी है, तो एल को हम दोबारा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, चाहे कहीं से भी स्टार्ट कर दो, हम दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एल को अगर अब लिखना है तुम्हें, क्योंकि हाँ और हमारे सारे भर चुके हैं, तो एल तुम चाहे जहाँ लिखो तुम्हें एल को लिखने के लिए 2 बार प्रेसिंग करनी पड़ेगी। तो 2 बार प्रेसिंग करेंगे, और कितने टाइम्स एल है, एल है तुम्हारा 6 टाइम्स, तो 12 बार तो लिखना ही पड़ेगा, चाहे तुम यहाँ प्लेस करो चाहे यहाँ प्लेस करो। तो हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, तो हमने एल यहाँ प्लेस किया। ठीक है, उसके बाद क्या है, जी जी यहाँ प्लेस कर दिया, फिर क्या है, एच एच हमने यहाँ प्लेस कर दिया, फिर क्या है, के जे और ई, फिर हमने के को यहाँ प्लेस कर दिया, जे को यहाँ प्लेस कर दिया, ई को यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, अब मान लो कुछ किसी, हाँ ये तो हो गया बेसिक सा, मतलब बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, तो इसको ग्रेडली ऐसा सॉल्व कर देंगे। लेकिन सपोज करो ये सब करेंगे कैसे, मतलब इसका एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, तो बेसिकली इसकी थोड़ी सी एल्गोरिथम डिफिकल्टी, हल्की सी, उतनी भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम 2 चीज़ लेके चलेंगे, एक टाइम्स, ठीक है, 0 से, एक राउंड जिसको लेके चलेंगे 1 से। ठीक है, ये राउंड डिनोट कर रहा है कि 1 2 से लेके 9 तक में हमने एक बार सब में कैरेक्टर रख लिया, तो हम राउंड को प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, और टाइम्स डिनोट कर रहा है कि हम इस टाइम कौन सा कैरेक्टर रख रहे हैं, मीन्स टाइम्स हर टाइम्स प्लस प्लस होगा। तो सपोज करो अगर मैं इसको ही रखता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को दोबारा रखना स्टार्ट करता हूँ, तो हमें पता है सबसे पहले हमें क्या रखना है, दूसरा कैरेक्टर, तो सबसे पहले हमें ए रखना है। तो ए यहाँ पे रखते ही हम देखेंगे हमारा टाइम्स है 0, राउंड है 1, और ए कितने टाइम्स है, 20 टाइम्स है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 20 × राउंड, राउंड है 1 प्लस। अब क्या हुआ, टाइम्स प्लस प्लस हुआ, अब टाइम्स की वैल्यू हो गई 1। मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ, टाइम्स यहाँ पे 0 है, राउंड यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर आए हम, तो टाइम्स यहाँ पे क्या हो गया,
वन हो गया, राउंड वन ही रहेगा क्योंकि राउंड कब कम अपडेट होगा, जब पूरा वन टू से लेकर नाइन तक का काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, आई रखा, फिर यहाँ पे जैसा यहाँ रखा तो प्लस क्या हुआ, 19 इंटू आई फ्रिक्वेंसी इंटू राउंड, राउंड वन है। तो सपोज़ ए आई रखने के बाद यहाँ पे बी रखा होगा, फिर यहाँ पे सी रखा होगा, यहाँ पे फिर हमने डी रखा होगा, नहीं, यहाँ पे फिर हमने रखा होगा जी, सॉरी एफ रखा होगा क्योंकि एफ की फ्रिक्वेंसी 15 टाइम है ना। तो इरेज करके लिख देता हूँ मैं, ये था सिक्स, सिक्स पे हमने रखा जी, फिर जी के बाद हम, हाँ जी रखा नहीं, एफ रखा, सॉरी फिर से एफ रखा, फिर यहाँ पे रखा होगा हमने डी, फिर यहाँ पे रखा होगा हमने एम, फिर यहाँ पे रखा होगा हमने एन, ठीक है, ये था ना। फिर ए सबसे ज़्यादा था, फिर आई था, फिर बी था, फिर सी था, फिर एफ था, और फिर एम डी था शायद, और फिर एम, और फिर एन, ठीक है। तो इस सब को करते करते यहाँ पे राउंड टाइम्स कितना होगा, टाइम्स हर बार बढ़ रहा है, टाइम्स टू थ्री फोर, टाइम्स हर टाइम्स बढ़ रहा है, फाइव सिक्स सेवन। और राउंड कब बढ़ेगा, राउंड बढ़ेगा जब सबके सब टू से लेकर नाइन्थ तक एक बार अपडेट हो जाएंगे। तो वन वन, अब जब दूसरी साइकिल चलना स्टार्ट होगी, तो जैसे दूसरी साइकिल चलना स्टार्ट होगी अब यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी, क्या बदलेंगी, टाइम्स तो हर बार बढ़ रहा था तो टाइम्स होगा एट क्योंकि नाइन के बाद आएगा ना, और राउंड हो जाएगा टू। अब हम क्या रखेंगे, अब हम रखेंगे, अब हमने ये सब चीज़ें रख ली थी, अब हमें रखना है इसको, एन को, एन को रख लिया था हमने, सॉरी, अब हमको रखना है सपोज जी को रखना है। तो हम क्या करेंगे, जी की फ्रिक्वेंसी है फाइव इंटू इंटू राउंड क्या चल रहा है, अब राउंड चल रहा है टू, तो राउंड हो गया टू। ऐसे ही ये चीज़ें चलती रहेंगी और हमारा लास्ट में आंसर मिल जाएगा। इसका मैं कोड समझा देता हूँ, बेसिकली हो सकता है इसमें कुछ मैंने कैलकुलेशन रॉन्ग कर ली हो क्योंकि ये बहुत बड़ा सा नंबर था और इसको मैंने शॉर्ट नहीं किया था, लेकिन इसका मैं कोड दिखाऊंगा तो बहुत ही ईजिली समझ जाओगे। देखो एक मैप ले लिया जिसमें हम फ्रिक्वेंसी रखेंगे क्योंकि हमें स्ट्रिंग गिवन है ना यहाँ पे, और हमें क्या रखना है, हमें फ्रिक्वेंसी रखना है। तो मैप ले लिया और हमने लाइन नंबर एट पे पूरी फ्रिक्वेंसी रख ली, फिर हमने एक मैप ऑफ स्ट्रिंग बनाई है, मीन्स ये जो टू और थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और सब पे करंटली एम्प्टी रख लिया है। तो वो ये डिनोट कर रहा है, सपोज टू पे हमने एम्प्टी स्ट्रिंग रख लिया है, थ्री पे हमने एम्प्टी स्ट्रिंग रख ली है, अब टू लेके नाइन पे अब एम्प्टी स्ट्रिंग रख ली है, ये डिनोट कर रहा है कि अब तक इसमें कोई कैरेक्टर हमने नहीं भरा है। फिर सेट ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा कैर बना लिया क्योंकि हमें शॉर्ट करना था, मीन्स 20 कॉमा ए, 18 कॉमा बी, 16 कॉमा सी। शॉर्ट करने के बाद ये इंसर्ट किया, इंसर्ट करते हैं शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि सेट हमारा ग्रेटर ग्रेटर ऑफ पेयर ऑफ इंट है। फिर स्टार्टिंग में राउंड वन लिया, आंसर ज़ीरो और टाइम ज़ीरो, जो यहाँ पे मैंने दिखाया था ये चीज़, राउंड वन टाइम ज़ीरो, ठीक है। हमने पहला कैरेक्टर निकाला, उसका काउंट निकाला, तो पहला कैरेक्टर अगर इसके हिसाब से देखोगे तो क्या निकलेगा, ए निकलेगा, उसका काउंट निकलेगा 20, ठीक है। तो 20 लिखने के लिए कितने कितना पुश करना पड़ा हमें, 20 इंटू जो राउंड चल रहा है वन, तो लाइन नंबर 23 वो डिनोट करी 20 इंटू वन। फिर हर बार टाइम्स प्लस प्लस हुआ, लेकिन जैसे टाइम्स एट या एट से बड़ा होगा, एट से बड़ा का मतलब हुआ कि टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, टोटल 8 बार टाइम्स चल गया, तो एक बार राउंड अपडेट हो जाना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि इसका मतलब ये है कि एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई है। फिर टाइम 16 हुआ तो इसका मतलब ये है कि एक और साइकिल कंप्लीट हो गई है। तो राउंड टाइम 8 हुआ और राउंड पहला चल रहा था तो राउंड सेकंड कर दिया, टाइम 16 हुआ और राउंड सेकंड चल रहा था तो राउंड फिर एक प्लस प्लस, और टाइम्स 24 पे फिर एक राउंड प्लस प्लस, फिर लास्ट में आंसर रिटर्न कर दिया। तो यार अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि तुम लोग वीडियोज़ बना रहा हूँ, लोग देख भी रहे हैं, कमेंट्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं, और लेकिन यार 99% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे जो देख रहे हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ हाउसेज एट अ सर्टेन डिस्टेंस, ये भी मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।